दिग्गज कलाकार कूफी पेंटल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका पूरा परिचय था सरबजीत पेंटल। 79 साल की उम्र में कूफी पेंटल साहब ने अंतिम सांस ली। वो कुछ समय से काफी बीमार चल रहे थे। पेंटल साहब ने वैसे तो फिल्मों के जरिए अपनी धाक जमाने की कोशिश की, मगर उन्हें असली पहचान मिली बीआर चोपड़ा के एपिक सीरियल महाभारत से। महाभारत में उनका निभाया शकुनी का किरदार लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। और धीरे धीरे ये दास बनकर जीना सीख ही लेंगे प्रिय भांजे। गुफी का जन्म पंजाब के तरन तारण में हुआ था। उसके बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया। गुफी साहब ने वैसे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मगर अपने छोटे भाई कंवरजीत पेंटल को एक्टिंग करता देख वो भी एक्टिंग की दुनिया में दाखिल हुए। 70 के दशक में कूफी पेंटल मुंबई पहुंचे। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे काम से लेकर सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम तक करना पड़ा। लेकिन दिखने में कंवरजीत और कूफी दोनों एक से थे, इसलिए कई बार गफलत हो जाती थी। साल 1975 में आई फिल्म रफू चक्कर में ऐसा ही वाकया हुआ। वैसे तो इस फिल्म में कंवरजीत थे, मगर कई जगहों पर इस फिल्म में काम करने का श्रेय कूफी पेंटल को भी दिया गया है। चलिए आपको कूफी पेंटल का संक्षिप्त सफरनामा बताते हैं। साल 1986 में टीवी की तरफ उन्होंने रुख किया। डीडी नेशनल पर उनका पहला शो टेलीकास्ट हुआ। टीवी पर उनका पहला शो था बहादुर शाह जफर। इस शो की बदौलत उन्हें महाभारत में काम मिला। कूफी पेंटल ने महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया। भाई कंवरजीत ने इसी सीरियल में शिखंडी का रोल प्ले किया था। फिल्मों में भी कूफी पेंटल साहब ने काम किया। दिल्लगी, देश परदेश, सुहाग और दावा उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। सुहाग फिल्म में वो अक्षय कुमार के मामा के किरदार में थे। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी 2014 में आई सम्राट एंड कंपनी। कूफी पेंटल की वैसे आखिरी फिल्म देखी जाए तो वो एक मलयालम फिल्म थी जो साल 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम अंधेरी था। टीवी पर आने वाला उनका आखिरी शो जय कन्हैया लाल की था, जो स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। हमारी ओर से कूफी पेंटल साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि।